नमस्कार, मैं हूं तमन्ना और आप देख रहे हैं टॉक विद तमन्ना। जी हाँ, पी वॉट साइंस एग्जीबिशन 2023 और 24 का आयोजन शारदा ज्ञानपीठ इंटरनेशनल स्कूल मलाड में है। जी हाँ, ये 3 दिन का एग्जीबिशन है और आज है पहला दिन। 180 से भी अधिक स्कूल भाग लेने वाले हैं। जी हाँ, इसकी शुरुआत हम करने वाले हैं, आज इसका ग्रैंड ओपनिंग है। चलिए हम सीधा आपको यहाँ की ओपनिंग दिखाएंगे, फिर यहाँ के प्रोफेसर से आपकी बातचीत कराएंगे और यहाँ के जितने भी बच्चे हैं उनका प्रदर्शन दिखाएंगे। जो अपने कार्य क्षेत्र में बहुत ही बेमिसाल है, हमेशा हमें मार्गदर्शन करते रहते हैं, इसीलिए हम आपका भी हृदय से सर अभिवादन करते हैं। तो अगर प्रॉपर लाइटिंग हम नहीं लगाएंगे तो उसके कारण आई पे स्ट्रेन आएगा, पढ़ने का मन नहीं करेगा। सर इज अ पायनियर, द फाउंडर ऑफ दिस एस्टीम्ड इंस्टीट्यूशन। ही इज ऑल्सो अ रेनाउंड ऑथर। हिज वर्क इंक्लूड्स वरुणा से वैतरणा, एन ऑटोबायोग्राफिकल अकाउंट, रामचरितमानस, तत्वदर्शन और लोक चेतना। हिज रीसेंट वर्क इंक्लूड्स महाराष्ट्र में हिंदी। सर इज द चेयरमैन ऑफ हिंदी साहित्य संसद मुंबई, चेयरमैन ऑफ गौरी शंकर ग्राम सेवा मंडल ट्रस्ट बोर्ड, चेयरमैन ऑफ माटुंगा हिंदी नाइट हाई स्कूल। आई एम डिलाइटेड टू वेलकम यू ऑल टू आवर एस्टीम्ड इंस्टीट्यूशन शारदा ज्ञानपीठ इंटरनेशनल स्कूल। It gives us immense pleasure and pride to be hosting the P-Watt Science Exhibition. This inter-school science exhibition is just not an event. It is an opportunity for our students to explore, learn and showcase their talents, and for our teachers to guide, inspire and shape the future of the budding scientists.
नमस्कार, मैं हूं तमन्ना और आप देख रहे हैं टॉक विद तमन्ना जी। हाँ, हम आज ऐसे यूज स्कूल में आए हुए हैं जहाँ पे चल रहा है साइंस एग्जीबिशन और बहुत ही खूबसूरत ये एग्जीबिशन चल रहा है। हम यहाँ का सारा दौरा कराने वाले हैं आपको और एक एक चीज़ की जानकारी आपको देंगे और यहाँ के जितने भी ऑनरेबल पर्सन हैं, गेस्ट हैं, सबसे हम आपको मिलवाएंगे। जी हाँ, इससे पहले हम बिना कुछ कहे इस एग्जीबिशन के कर्ता धर्ता जिन्होंने यहाँ पे एग्जीबिशन कराया, हम सीधा उन्हीं के पास जाएंगे और उन्हीं से आज की शुरुआत करेंगे फर्स्ट डे की। मैं रियाज खान, चीफ कन्वेनर पी वार्ड एजुकेशन डिपार्टमेंट और प्रिंसिपल मदर टेरेसा हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज। हम साइंस एग्जीबिशन हर साल ऑर्गेनाइज करते हैं और ये साल हमारा साइंस ऑर्गेनाइजिंग एग्जीबिशन जो है शारदा ज्ञानपीठ इंटरनेशनल स्कूल में होस्ट किया जा रहा है। और मैं 25 साल से एजुकेशन फील्ड में हूँ और पिछले 10-15 साल से एज अ चीफ कन्वेनर हम काम कर रहे हैं। पी वार्ड जैसे मलाड ईस्ट और वेस्ट के 180 स्कूल्स हैं और उसमें हमारे कुछ 20 से 25 स्कूल के प्रिंसिपल और ट्रस्टीज हमारे टीम मेंबर हैं। हम पूरी टीम मिल करके साइंस एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज करते हैं। बिल्कुल सर, इतना बड़ा जो जिम्मेदारी है 25 सालों से निभा रहे हैं, अब तो आपकी आदत सी हो गई होगी, कभी आपको एक लगा कि ये चैलेंज बहुत ही मुश्किल है किसी एक साल में, या कुछ ऐसा रिमाइंड है आपको? हर साल हम एक नया स्कूल ढूंढते हैं और नए स्कूल में हम ऑर्गेनाइज करते हैं। स्कूल में जब हम होस्ट करते हैं तो कुछ चैलेंजेस आते हैं, बट स्कूल के कॉपरेशन से, मैनेजमेंट के कॉपरेशन से, प्रिंसिपल और उनके स्टाफ के कॉपरेशन से, स्टूडेंट्स के कॉपरेशन से, हम हमारी टीम के साथ में मिलकर हर साल साइंस एग्जीबिशन सक्सेसफुल बनाने की कोशिश करते हैं। सुना दोस्तों आप लोगों ने, ये थे रियाज सर जिन्होंने 25 साल से ये एग्जीबिशन कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है और उसी सिलसिले में करते जा रहे हैं। ये एग्जीबिशन खत्म होते हुए मेरे को लगता है रियाज सर आप अगला कुछ प्लानिंग कर चुके होंगे, तो प्लानिंग के बारे में जरूर बताएं हमारे लोगों। थर्ड जो लास्ट दिन होगा 9th December, उस दिन अगले साल कौन से स्कूल में होगा उसका अनाउंसमेंट हो जाएगा और उसकी तैयारी जो है वो 10 तारीख से स्टार्ट हो जाएगी। बस जाते जाते अपने जो मैसेज है लोगों को क्या देना चाहेंगे वो बता दें। हमारे जो मेन पर्पस है ये साइंस एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज करने का एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से, बच्चों के अंदर और टीचर्स के अंदर साइंस के लिए और मैथ्स के लिए एक इंटरेस्ट जागे और बच्चे कुछ इनोवेशन करें और इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स यहाँ पर साइंस एग्जीबिशन में डिस्प्ले करें। तो हम सारे बच्चों को और सारे टीचर्स को शुभकामनाएं देते हैं कि वो हर साल नए नए प्रोजेक्ट्स को डिस्प्ले करें। हम तो आपके आभारी हैं कि आप अपना सब इस्टेब्लिशमेंट ले करके हमारे स्कूल में पधारे हैं। हम श्री रोहन भट्ट और डॉक्टर शर्मा सब के प्रति आभारी हैं जिन लोगों ने इस प्रदर्शनी को इस ढंग से जो है आप सबके सामने प्रस्तुत किया है। इन सबका मुख्य उद्देश्य रहता है कि हम अगल बगल के जितने स्कूल हैं पी वार्ड के, वे सब इकट्ठे हों, कॉमन प्लेटफार्म पर हम लोग इकट्ठा हो करके सोचें कि शिक्षा के क्षेत्र में अधिक से अधिक कार्य कैसे किया जा सकता है। क्योंकि आज हमारी दृष्टि में हम भी खुद मानते हैं हम शिक्षा के क्षेत्र में बचपन से ही हैं, लेकिन जैसा होना चाहिए शिक्षा के क्षेत्र में उतना नहीं होना हो रहा है। अच्छी गुड एजुकेशन हम नहीं दे पा रहे हैं। जहाँ तक प्रदर्शनी का सवाल है, श्री रोहन भट्ट वगैरह और लोग सब आए, उन लोगों ने कहा, हम लोगों ने कहा भाई हमारी प्रसन्नता होगी आप लोग अच्छा सा अच्छा यहाँ करें। हमारी जो जनता देख रही है सर, आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? हम तो यही चाहते हैं कि भाई आप लोग अपने बच्चों की शिक्षा पर ध्यान दीजिए, उनको अच्छा संस्कार दीजिए और जहाँ पर जिस स्कूल में अच्छा संस्कार दिया जाता है वहीं पर अपने बच्चों को भेजिए। तो शुक्रिया, ये हैं चेयरमैन जैसे स्कूल के जिन्होंने, इनका उद्देश्य यही है कि शिक्षा ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े और साइंस जो एग्जीबिशन यहाँ का किया गया है उससे लोगों को मैसेज दिया जाए कि जिस भी तरीके से आप लोग आगे
बढ़े। इसी के साथ हमारे बहुत सारे गेस्ट भी जुड़े हुए हैं जी, हम उनसे भी बात करेंगे। पहले आपका परिचय से मैं शुरू करूंगी सर। मैं जेडी शर्मा बाबा परमाणु अनुसंधान केंद्र में वरिष्ठ वैज्ञानिक हूँ और किसी भी एजुकेशन परिसर में जो भी साइंस एग्जीबिशन रखी जाती है उसका मेन उद्देश्य विज्ञान का प्रचार प्रसार और बढ़ावा है युवा बच्चों में। सर बात करते हुए एक और बात बोलूंगी, आज तो साइंस का ही एग्जीबिशन है तो आपके तो ब्लड में ही वो चीजें होंगी, आप तो मतलब एकदम घुसे हुए होंगे, तो आज जो बच्चे प्रदर्शनी लगाए हैं मुझे गुस्से में समझ में आ जाता है सर कि वो बहुत ज्यादा आपके दिल के करीब है। बिल्कुल सर, तो आज का ये जो साइंस का एग्जीबिशन का मोटो क्या था सर? मोटो विज्ञान का प्रचार प्रसार है। जरूरी है स्वास्थ्य आज की लाइफ में, जब इतना बड़ा दौर गया है कोरोना का, उसके बाद तो वाकई स्वास्थ्य के बारे में आप लोगों को तो आगे और कुछ करना चाहिए। क्या कुछ प्लान किया है सर स्वास्थ्य के लिए? आज जो भी बीमारियां हैं उसके ऊपर जो भी साइंटिस्ट है हमारे उसके ऊपर खोज करते ही रहते हैं, निरंतर अनुसंधान होते ही रहता है उस पर। हाँ, आज जो मेरे लोग जो जनता आपको देख रही है उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे साइंस एग्जीबिशन के साथ? मैं यही मैसेज देना चाहता हूं कि साइंस को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए, अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा साइंस की पढ़ाई कराई जाए, यही मैसेज है मेरा। और ज़्यादा से ज़्यादा युवा जो वर्ग है वो इसमें काम करें। और कुछ आप हमारी जनता को बोलना चाहेंगे सर? हाँ, जैसा कि इसमें थीम है अभी कि आरोग्य, उसके बाद लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट, उसके बाद एग्रीकल्चर, कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन, कम्प्यूटेशन, कम्प्यूटेशनल थिंकिंग, तो साइंस का उपयोग युवा वर्ग ना करें, जैसे कि डीफेक वीडियो वगैरह बन रहे हैं वो सब ना बने, तो हमें साइबर क्राइम होता है, साइबर वीडियोस जो मतलब गलत तरह के बहुत सारे वीडियोस अपलोड होते हैं फेसबुक पे या सोशल मीडिया पे, वो नहीं होने चाहिए, तो उन सबको भी रोकना चाहिए। इनसे हम जानना चाहेंगे कि इतना बड़ा जो इवेंट इन्होंने ऑर्गेनाइज किया है कितना टफ हुआ है? मैम बहुत स्वागत है पहले हमारे चैनल में आपका। ये जो इवेंट मैम इतना ह्यूज इवेंट प्लान किया है, बहुत अच्छा है, बहुत ही हमने सारा सर्वे किया है, आप बताइए आपके लिए कितना टफ रहा ये? हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर सुष्मिता सावंत, प्रिंसिपल ऑफ शारदा ज्ञानपीठ इंटरनेशनल स्कूल एंड जूनियर कॉलेज। टफ आई विल नॉट से टफ, बट आर स्कूल वी आर सिंस 2006 एंड इट्स बीन 17 ईयर्स इन द स्कूल। द फर्स्ट टाइम दैट वी आर होल्डिंग अर इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन साइंस एग्जीबिशन इन अ वेरी ग्रैंड वे, वी आर सेलिब्रेटिंग इट। एंड येस, इट्स नॉट सो ईजी टू कैरी आउट अर इवेंट ऑन सच अ लार्ज स्केल, ऑन सच अ ग्रैंड स्केल फॉर 3 days. Like if you see the science exhibition today, the first day of the science exhibition today was the inaugural function. Tomorrow on 8th of December we have the prize distribution ceremony, and on 9th of December we'll be having the closing ceremony. Each day has its own importance and students around 180 schools have participated, and we have thousands of visitors coming every day. The PWOT team, the committee members and all the members of the Sharada Gyanpeeth family, we worked together as a team, we coordinated, cooperated, organized things, and let me tell you, months back, in fact this year in the month of January 2023, we were aware that we are going to host this grand PWOT science exhibition, and believe me, planning has started since then. For the last 3 months, the committee members have been coming to our school frequently. We got frequent meetings with them, and all of us, the entire teachers, the supporting staff, the office staff, and all the team members, including our chairman sir, our vice chairman sir, our school management committee members, have worked tirelessly, given all their inputs, hours of planning, meticulous planning, seeing that every detail is covered, nothing is left uncovered, everything is done properly. So we have tried our level best, and we see the result today, and the same in the 2 and 3 days. Yes, it's been difficult, but
वी आर रेडी फॉर इट. वाइस चेयरमैन को कैसे छोड़ सकते हैं? जी हाँ, हमारे साथ अजय सर हैं. अजय सर, ये बहुत एक्साइटमेंट है आज का, जो मैंने पूरा एग्जीबिशन देखा है, बहुत मज़ा आ गया सर. अब आपको भी हमको इस एग्जीबिशन के बारे में पूरी जानकारी बताना पड़ेगा कि क्या कुछ तैयारियाँ किए आपने. बहुत मैडम ने हमारे बताया कि बहुत कम समय मिला, उसमें आप लोगों ने तैयारियाँ की, आपकी टीम बहुत सपोर्टिंग रही. आप ज़रूर बताएँ कि किस तरीके से तैयारियाँ की और कैसा कुछ लग रहा है आपके स्कूल में ये फंक्शन हो रहा है सर. सबसे पहले बात ये है कि हमारे स्कूल में पहली बार ये प्रोग्राम रखा गया है, वो सबसे बड़ी खुशी चीज़ है. हमने बड़ी चीज़ हमारे लिए कि ये सब हुआ, पी वार्ड वालों ने हमको चुना, क्योंकि हमारा तो नया स्कूल है. अब हमें कोई जानकारी नहीं कि कैसे प्रदर्शनी होती है, क्या होती है, लेकिन सारे स्कूल अगल बगल सब हेल्प किए हैं. रोहन सर हैं और भी सर लोग हैं, त्रिपाठी सर हैं, शर्मा जी, ये सब लोग हैं, सब लोग हमारी मदद करके सब किए हैं. और मुख्य रूप से साइंस और टेक्नोलॉजी के विषय में यहाँ पर प्रदर्शनी रखी गई है. पी वार्ड साइड के बहुत सारे लगभग 180 स्कूल इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं. सब बच्चे अपना अपना मॉडल बना के लाए हैं, उन्होंने बहुत मेहनत की है और अच्छे से सब तैयारी की है. और काफ़ी समय से चल रहा है, मतलब हेक्टिक रहा है सर. तीन दिन मैनेज करना कैसा रहा सर? कितना चैलेंज रहा आपके लिए? अब असल में तो हम लोग बैकग्राउंड में रहते हैं, मेन तो भाई प्रिंसिपल हैं, टीचर्स हैं और जो सपोर्टिंग स्टाफ है वो है. हम लोग तो भाई सर आपको भी तो बहुत सारा साइन करना पड़ता होगा, बहुत सारे फाइल भेजने पड़ते होंगे, यस तो बोलना ही पड़ता होगा आपको. वो तो है भाई, करना ही पड़ेगा भाई, मैं जो है उसको करना ही पड़ेगा, जो भी खर्चा हो रहा है जो कुछ है. क्योंकि मेन चीज़ है कि भाई लोग आए हमारे यहाँ जाने, हमको भी लोग जानकारी हुई साइंस में, नई नई क्या टेक्नोलॉजी है, क्या बच्चे सीखे हैं, जो हम लोग पढ़ा रहे हैं क्या बच्चों ने उसे ग्रहण किए हैं, फिर बच्चे नया बनाए हैं, वो समाज को उनको रिटर्न देना चाहिए कि भाई देखिए ये चीज़ बच्चों के दिमाग में है. बच्चों को साइंस की तरह जैसे सरकार थर्मल सवेर मॉर्निंग कर रही है, BSc MSc इसमें बच्चों को जाना चाहिए, उनको प्रोत्साहन देना चाहिए. सिर्फ डॉक्टर इंजीनियर के लिए नहीं, और भी बहुत सारी लाइन है. स्पेस में भी देखिए कितने लोग जा रहे हैं, अपने लोग बाहर जाके विदेश में देखिए MP मिनिस्टर बन रहे हैं, कि हमारे भारत का नाम कर रहे हैं बच्चे जाके. तो इनको खूब प्रोत्साहन दीजिए, पेरेंट्स को खूब आगे बढ़ाएं बच्चों को. मेरे सब बेस्ट विशेष हैं उनके साथ में. हाँ, बस जाते जाते आप हमारी जो जनता जो आपको देख रही है सर, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे इस एग्जीबिशन के बारे में? मेरी तो भाई लोगों से यही विनती है कि भाई प्रदर्शनी में आप लोग भी आइए, अपने बच्चों को प्रोत्साहन दीजिए, उनका मनोबल बढ़ाइए, यही मेरी शुभकामना है आप लोगों के साथ में. दोस्तों, आप लोगों ने देखा क्या ह्यूज साइंस एग्जीबिशन था. जी हाँ, ये तो पहला दिन है, आगे आगे देखिए दो और दिन बचे हुए हैं. बहुत एक्साइटमेंट है, आप देख सकते हो कि शुरुआत जो हुई थी वो बहुत खूबसूरत हुई थी. एक खूबसूरत डांस के साथ इसकी शुरुआत की गई और उसके बाद हमने बच्चों का टैलेंट भी दिखाया आपको. आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि दो और दिन हैं, हम हर दिन की आपको खबर देंगे और हर दिन का हम आपको एग्जीबिशन दिखाएंगे. जी हाँ दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, कल फिर हम आपके सामने हाजिर होंगे कल का एग्जीबिशन लेके.